अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, आज हमने 225 डुसान का फाइनल ड्राफ्ट और क्रॉलिंग मोटर खोल लिया, तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर कर दें कि अक्सर लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है कि इसकी फ़िटिंग का और इसके सामान का इसका क्या सीन और क्या सिस्टम है। तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, ये आप देख लें जनाब। ये हमने सील लगा दी है, इसके बाद शाफर लगाने लगे हैं, तो आपके साथ साथ गपशप भी होती रहेगी जी। ये देखें जी, शाफर मैंने बिठा दिया, ये बस ये शाफर अपनी जगह पे बैठ गया, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। ये केम है, इसकी केम प्लेट है और ज़बरदस्त सिस्टम दिया। इसके पीछे एक प्लंजर लगाया गोरे ने, प्लंजर जो है उसके पीछे स्प्रिंग है, ये इधर ही बस केम करती है और बहुत ज़बरदस्त जी। ये देखें जी, प्लंजर बिठा दिया मैंने, इसके बाद केम प्लेट जो है ना वो लगाएंगे। ये इस पे ना थोड़ा वेट एक साइड पे ज़्यादा है, तो जब डालते हैं तो ये घूम जी। ये देख लें जी, बैठ गई अपनी जगह पे, इस तरह इसको चेक कर लेना, ये मूव कर रही है, ये कर रही है, आपने बस देख लें इसके बाद रूटर हमने बिठा दिया, प्लंजर डाल के सब कुछ डाल के, ये प्लेटें जो है ना लेदर वाली हैं, ये डालनी है आपने, इसकी तरतीब देख लें। ये एक लेदर वाली और एक लोहे वाली डालनी है, ये तो सबको तकरीबन पता ही होता है, लेकिन फिर भी एहतियात करना है। अक्सर लोग जो है ना वो लेदर वाली बाहर कर देते हैं। ये देखें, प्लेटें सारी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद पिस्टन आएगा, उसको आपने ग्रीस लगा लेनी है रिंगों के ऊपर और सीधा रख के इसको थोड़े की मदद से हल्का हल्की चोट लगा के इसको बैठा देना है। इसके बाद जो इसका मेन काम है ना, मेन फंक्शन जो है, ये स्प्रिंग जो है ना इसके गिर जाते हैं, इसको आपने ग्रीस लगा लेनी है और थोड़ी ज़्यादा लगानी क्योंकि स्प्रिंग गिरे ना, क्योंकि अगर आप पूरा खोलेंगे फिर तो जी। अब देखें जी, अब हम हेड को साथ बैठाने लगे हैं और आप भी देख लें किस तरीके से इसको बैठाना है, बिल्कुल आराम के साथ, बिल्कुल आराम के साथ, कि स्प्रिंग नहीं गिरने चाहिए। स्प्रिंग गिर जाए तो फिर बड़ा मसला बनता है, फिर खोलना पड़ता है। ये हमने बैठा दिया, हल्की बोल्ट दो लगा रहे हैं आमने सामने। जी ये हमने बिल्कुल बैठा दिया, समझ लो कि बिल्कुल बैठ गया, ये ज़बरदस्त होगी, इधर यही काम है। ये अभी इसका ना एक शाफर के हमने बैरंग डाले हैं, वो मैंने डाल दिया, ये जिसके ऊपर निशान बने ना, ये शाफर हमने निकाली थी, इसके बैरंग वगैरह डाले हैं, चेंज किए हैं। ये इसका जो है ना सन गियर में डाल के चेक कर रहा हूँ कि क्या सिस्टम है इसका, क्या निज़ाम है। ये हल्की बोल्ट वगैरह जो है ना ये टाइट करा कर लेने अपने पहले, फिर गरारियाँ डाल देनी है जी। ये सारी गरारी इस तरह डालनी है आपने। ये केम वाला जो है ना फाइनल ड्राफ्ट है, केम सिस्टम, इस पे और गरारियाँ नहीं होती, बस यही तीन गरारियाँ होती हैं, एक सन गियर होता है, एक शाफ्ट होती है और इसके अलावा दो केमें होती हैं इसके अंदर है। जी अब ये देखें, गरारी बैठ गई है, इसके बाद हम लॉक लगाएंगे इनको तीनों को। लॉक आपने चेक कर लेने के, अच्छी तरीके से लग गए हैं, कोई मसला ना हो, कोई टेंशन ना हो। ये दूसरी गरारी का भी लॉक लग गया, अब तीसरी का लगेगा। इसके बाद आपने सन गियर डाल लेना है, ये देख लो सन गियर डाल दिया हमने। इसके ऊपर एक ना गोली आती है गोल बैरंग की,
वो भी आपने जो है ना इसके ऊपर लगा लेनी है याद के साथ। इधर ग्रीस लगा के इसके ऊपर इसको इस तरह रख देना है। ये अगर ये ना हो तो फिर सनगियर बाहर आ जाता है। थोड़ा सा फ़र्क है। ये प्लेट को साफ कर लेना आपने अच्छी तरीके से जी। ये प्लेट को साफ करके हल्की सी ग्रीस लगा लेनी है। रिंग इसका बहुत हैवी ड्यूटी रिंग लगा हुआ है। इसको ग्रीस लगा के इसको बस सीधा इसको फिट कर देना बिल्कुल सीधा इस तरह। बोल सीधे कर लेने हैं और लगा देने हैं। इसको आराम से बैठा लेना आपने। अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये हमने वर्दी पहनी, इसके अलावा अंदर नहीं जाने देते थे। ये सीन और ये सिस्टम है। और ये हमने ना मशीन की ट्राई ली है। ये हम मशीन इधर से निकाल के अंदर।